अंकिल जी नमस्ते कौन जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। पीछे बड़ी आवाज आ रही है भाई साहब, हाँ थोड़ा सा शोर हो रहा है यार बात। गधा कहीं का। कोई कौन बोल रहा है? ऐसा मम्मी ने बचपन में कितनी बार बोला मुझे, अच्छा बेवकूफ उल्लू। तेरा बाप होगा। नहीं, उन्होंने मेरे को कई बार ऐसा बचपन में बोला। आप गलत क्यों बोल रहे? बोल साथ में बोला करना, रुक क्यों जाता है फिर बीच में? बेशरम बदतमीज। वही कौन में घुस के मार रहा नहीं, ऐसे बड़े टीचर्स मेरे को बोलते थे, लेकिन मैंने, हेलो, बोलते थे तो मुझे क्यों बता रहा है फिर? क्यों बता रहा है? मैंने नहीं सुनना। दांत तोड़ दूंगा तेरे तेरे बचाएंगे, तेरी तोड़ दूंगा मैं। भाई साहब। ऐसे मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे जब भी मैं उनका टॉफी चुरा के भगता था। तो पूरा जवान संभाल ले, बता रहा हूँ वही आके ना तोड़ दूंगा सब कुछ। सुनिए, हेलो, हाँ शकल देखिए अपनी, छछुंदर की तरह दिखता है उल्लू। तेरा ना बैठे ऐसा है नहीं, ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे मेरे को बोल के बता भग गई छोड़ के। औकात में तुझे पता है बुद्धि है कि नहीं है या बेच खाए उसका? तेरी ना चमका दूंगा लड़के। तो नहीं, ऐसे मेरे ताऊजी बोलते थे जब भी मेरे को बदमाशी करता था। अपने ताऊजी को बता दे छोड़ दी जाएगी दोनों की, ताऊजी की भी और उनकी भतीजी की। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हेलो अंकिल, हाँ जी नमस्ते। हाँ बोल भाई। पीछे सब आवाज़ शोर मच रहा है, थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ बंद हो गया। मैं कह रहा था, हाँ कहो। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कैसा? कि तू गाड़ी से जा रहा है हाँ और घर से गाड़ी लेके जैसे तू निकला, तेरे अच्छा पीछे एक और गाड़ी लग जाए? क्या कह रहा है? हाँ? क्या कहना चाहता है? कहना चाह रहा हूँ तेरे पीछे और एक गाड़ी लग जाए जिसपे पूरे काले शीशे लगे हों। हाँ तू अपनी गाड़ी तेज भगाए, वो गाड़ी और तेज तेरे पीछे आए। क्या बोलना क्या जा रहा है तू? वो गाड़ी अचानक तेरी गाड़ी के सामने आके ब्रेक मार के रुक जाए। अच्छा कभी ऐसा हुआ है? अरे क्या मसला क्या है पूरा ये मसला ये बता। है कि उस गाड़ी में से 6 मोटे तगड़े लड़के निकले हॉकी स्टिक लेके और तेरी अच्छा गाड़ी की तरफ दौड़े। कभी ऐसा हुआ है? भाई क्यों मत खराब कर रहा सुबह सुबह? उनमें से 2 लड़के इतने गुस्से में हॉकी तेज से हॉकी स्टिक उठाएं और तेरी गाड़ी के कान यानी जो साइड के शीशे होते धड़ाक से तोड़ दें। कभी ऐसा हुआ है? तेरा दिमाग खराब है क्या? किसको फोन मिलाया है? और तेरे को घसीट के गाड़ी के अंदर से बाहर निकाल के बाहर पटक दें। कभी ऐसा हुआ है? फोन रख। काट दिया। हेलो। तूने किसी का फोन काटा हो और तेरे घर पे 4 लड़के तेरे को आके उठा ले जाएं? कभी ऐसा हुआ है? सुबह सुबह मत खराब कर रहा है। मैं तेरे को अलर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा फोन काट रहा है। सपोज चार तू मेरे को लड़के क्या अलर्ट कर रहा है? किस लिए? कल 4 लड़के घर पे आके कभी उठा ले जाएं, तेरे को कभी ऐसा हुआ है? धमकी दे रहा है क्या सुबह सुबह तुम्हें? अभी 100 नंबर पे फोन करूंगा तेरी उठवाऊंगा वहीं पे। हाँ, कभी ऐसा हुआ है जब तू 100 नंबर पे फोन करे और उससे पहले एम्बुलेंस घर पे आ जाए तेरे? कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी की क्या कहना चाहता है तू? सुबह सुबह फाड़ रहा है मेरी है? भैया कभी हुआ है क्या ऐसा? मैं पूछ रहा हूँ अबे आपसे। नहीं हुआ हैं? नहीं हुआ। हाँ तो यही पूछ रहा हूँ, अगर नहीं हुआ है अभी तक हाँ तो तू बहुत नसीब वाला है भाई। गुड लक, कभी होना भी नीचे, भगवान से प्रार्थना है मेरी। तेरी है कौन तू ये तो बता। फिर मैं अभी 100 नंबर पे फोन करता हूँ के सुबह सुबह काट रहा है सर। हेलो। इतनी बेइज्जती तूने किसी की की हो और वो पलट के फिर से तेरे को फोन करे? कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी के फोन रख तू तेरी गलत सुबह आदमी सुबह ऐसा गाली देगा तेरा लक खराब होगा, समझा? फिर जो मैं जो तेरी तोड़ दूंगा दोबारा फोन कर दिया तो। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है अंकिल? नमस्ते। हेलो उनको बताया था ना मैंने, नजदीकी शाखा में संपर्क करेंगे तो सारी डिटेल उनको मिल जाएगी। कौन बात कर रहा? इस पेपर पे उनको साइन करके नीचे। थैंक यू। अरे भाई कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकिल। अरे अंकल होगा तेरा बाप, तेरे समझ नहीं आ रही कौन होगा। आप विवेक जी बात कर रहे थे ना? हाँ विवेक जी बोल रहा हूँ। मैं बैंक से रिलेशनशिप मैनेजर बहुआ बोल रहा था। आपने वो कार्ड का डिटेल के लिए बोला था ना? हाँ, बोला था। तो इसलिए फोन किया, आप गंदा बोल रहे हैं। अरे भाई तेरी आवाज कैसी है? तू मैनेजर बोल रहा है? एक सेकंड है। नहीं तो अगर आपको अच्छी आवाज वाला चाहिए तो मैं बात करा दूंगा, 3 दिन बाद बात हो जाएगी, ठीक है? ना ना बोल बोल भाई बोल। मैं ये कह रहा था कि आपने जो कार्ड मंगवाया है। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपका कॉल होल्ड पर है,
कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हेलो, अरे भाई कहाँ होल्ड पे डाल दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं वो हमारा मेरा टच वाला फोन है ना, गाल लग जाता है उसपे। अच्छा, बताओ बताओ बताओ। आपने जो कार्ड डिटेल मंगवाया था, हाँ? उसका जो डेबिट कार्ड है आपका, हाँ? उसका एंड में नंबर 783 है, हाँ? और आपका डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1981। हाँ बिल्कुल। तो जो इसका बैलेंस जो बचा हुआ था आप जो बता रहे थे, आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। सॉरी, अरे तू पागल है क्या? आपने कार्ड मंगाया था 783 एंड में डिजिट नंबर है, हाँ हाँ, उसमें जो अकाउंट बैलेंस था। अबे बैलेंस तो मेरे को पता है, मेरा अकाउंट है, तू आगे बता। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बैलेंस है उसमें से 5,000 रुपए। क्या हुआ 5,000 को? योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? फोन टच हो जा रहे गाल से। अगर गाल से मैं तेरे आप भी हंस रहे। मेरे पैसे की क्या बात कर रहा था, 5,000 की, भले ये बता। उसमें से जो बैलेंस है उसमें से 1 रुपया भी डिडक्ट हो सकता है, अगर आपने अपना जो पिन नंबर है वो किसी को बताया तो। आपको पिन नंबर किसी को नहीं बताना। इतनी देर से अपनी करता, एक बार मैं यही बोल देता। क्या हो रहा है ना, बार बार मेरा कॉल। योर कॉल होल्ड पे टाइम। सॉरी, होल्ड पे। आप कुछ कह रहे थे? गंदा बोल रहे हैं आप। अगर गंदा बोलेंगे तो 2 बार डालूंगा मैं। आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो हेलो हेलो, अरे कोई बोलेगा? हेलो अरे कोई बोले। हेलो, अरे क्या ड्रामा है। हेलो, अरे कुछ बोलेगा भाई? हेलो, अरे ये बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा? चल दबाओ ना। हेलो, अरे कौन है? ये बोलेगा तो कुछ नहीं बोलेगा यार। हेलो, अरे कुछ बोलेगा हूँ वहाँ के आगे भी बोलेगा काका। हेलो, तेरा नंबर पुलिस मिलता। तूने दिमाग खराब कर रखा है, बोल नहीं रहा, नहीं मार रहा है। और पुलिस उल्टा है, नंबर पुलिस में देगा ना, पुलिस उल्टा तेरे को पकड़ेगी। बोल के एक घंटे गाली तू दे रहा है। मैंने कुछ बोला? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो शांति बनाई रखी है, तू ही बोल रहा है। शांति बनाए हूँ क्या कर रहा है तू? क्यों बोलूँ मैं कुछ? क्यों बोलूँ मैं कुछ? जैसा माहौल है मैं क्यों बोलूँ कुछ? और तू उल्टा पुलिस को ना, तेरी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं बोलूंगा ये गाली दे रहा है, मैं तो शांत था। यही था, पेशेंट का टेस्ट है ये। ऐसे ही आदमी आपको भड़काएंगे फोन से, मैसेज से, हूँ करेंगे, कुछ हो सकता है कुछ बोले, हो सकता है कुछ ना बोले। तू भड़केगा, अपना आपा खो देगा, गुस्सा, सॉरी, गुस्सा करेगा। थूका ना तो मुंह पर मल दूंगा थूक सारा तेरे। यही मैं कह रहा हूँ, आपको भड़कना नहीं, शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है। आपा खोगे, टेंशन लोगे, आदमी को चिढ़ोगे, उसको गाली दोगे, सामने आएगा फोड़ दोगे, फिर पुलिस तुमको तोड़ देगी, और उल्टा मेरे को मिले, मेरे नंबर पुलिस को देगा। सावधान रहे भाई, शांत रहे, समझा? कहाँ कहाँ चला गया? हेलो, अरे तू नहीं तो बोला शांत रहे वो। जैसा सिखाया था वैसे। सॉरी, गलत बात। 93.5 रेड एफएम बजाते रहे, मैं हुआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो अंकिल जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? भाई आप कौन बोल रहे हो? फोन आपने किया? यही तो बात है ना, इतना ईगो लेके कहाँ जाओगे, सबने एक दिन चले जाना है। मैं अगर एक सेकंड, मैंने कुछ बदतमीजी करी आपसे, मैंने क्या बोला फोन लगा के कि आप कौन? आप बताओ ना कौन बोल रहे हो? आप बताओ ना, आप कौन बोल रहे हो? आप नहीं बता सकते आप कौन बोल रहे हो? अरे फोन किसने किया है? काम क्या आपको ये बताइए? अरे फोन तूने किया, मैं काम बताऊँ ना? तू ही बता दे ना, इतना ईगो क्यों? मैंने अपना ईगो तोड़ के तेरे को फोन किया, कम से कम तू अपना नाम नहीं बता सकता? तेरे को काम किया तू नहीं बता सकता? दोनों में ही बैठा। सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, सुन एक मिनट, मेरी बात सुनिए भाई साहब, मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या काम है। भाई तू बिजी है मतलब, तेरा फोन तूने किया, मैं खाली बैठा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, अगर आप बिजी होते ना, हाँ, तो आप फोन काटते, उठाते नहीं। फोन कैसे काटते पता है? कैसे? ये लो। एक सेकंड। हेलो, बिजी हो, बिजी होते फिर फोन उठाते तुम? अरे कर रहा होगा पता नहीं उसके चक्कर। गलत मत बोलिए, तूने आपके बाद मेरे को खराब किया ना, जाले तेरा मैं। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं सुरभि बात कर रही थी। सॉरी, आप जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, आप रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी जब भी,
आप उठा के फोन गंदा संदा बोल रहे हैं, आप देख तो लीजिए। गंदा गंदा नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली कोई मुझे परेशान कर रहा है। आपका नंबर देख लीजिए ना सर, नंबर नहीं, वो अलग अलग नंबर से बार बार फोन कर रहा है सर, ये क्या बात हो गई? नहीं नहीं मैम, मैं आपको दो तीन हफ्ते से लगा रहा था फोन, एक्चुअली तो आपको मिल नहीं रहा था। नंबर एक बार लिखवा दीजिए जल्दी से। 239421। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी कॉल अभी ट्रांसफर करूंगी सर के पास। हाँ जी। आप अपनी कंसर्न उनको एक बार बता दीजिएगा। हाँ। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, लेकिन हाँ। थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाँ जी, हाँ। हेलो। हाँ, जल्दी किस लिए? नहीं, उनको थोड़ा जल्दी बताइएगा। नहीं जल्दी कैसे बताऊँ, मतलब मेरे को तो कंसर्न समझाना तो पड़ेगा ना उनको, आराम से बताऊंगा। आप हमेशा जल्दी बताते हो। नहीं, आप उनको जल्दी बताइएगा, पता है क्यों? क्यों भाई साहब? मैं बोला था ना, मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी। अबे तेरी नमस्ते। हेलो अंकल जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन? बाप लग रहे हो बेटा, बोल रहे हो? अबे तो कदे, तू भी तो अंकल बोल रहा है, अंकल लग रहा हूँ तुझे। सॉरी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, नमस्ते। मैं पहचानता हूँ तुझे? नहीं नहीं, जान पहचान तो आगे होगी ना भाई साहब। अच्छा। आगे होगी ना, मैं तो एक मिनट के लिए फोन कर रहा था, मैं कई लोगों को लगा रहा था, मैं दो तीन लोग से बात भी हुई, उनने बीच में फोन काट दिया। आप अगर एक मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बता। मैं कह रहा था, आपने गैलीलियो कलासनिको की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलासनिको? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं। अरे बस एक सेकंड। आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान? मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी, तो बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं नहीं, इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। पागल वाले काम कर रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, आपने अल्फर्ड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फर्ड सत्तू? अब तो बोल दे, उसने भी नहीं छपवाई होगी। नहीं नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। एक सेकेंड आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैडब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैडब्रेथ? उसने एक ही कॉपी छपवाई होगी? नहीं नहीं नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। तो अपने घर में बांट दी होगी? नहीं नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी। वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे एक भाई सा, सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन? एलेक्स निरंजन और तू? मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी, एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या, फिर तो आप ही अनपढ़ हैं ऐसा लग रहा है मुझे। आगे डिग्री देख ले, सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा, 10 डिग्री पढ़ी है। बाबरी, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, मैं क्या करूं बता। एलेक्स निरंजन और तू भी चला जा के चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। Oh my God, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो, नमस्ते। हेलो। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, मैं आपसे एक मिनट लेना चाह रहा था, आम का सीजन जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे को क्यों बता रहा है भाई? बता रहा है कि पूरे सीजन मैंने 373 आम खाए, उसकी गुठली रखी है मेरे पास। तो मैं क्या करूं भाई? वही मैं भी पूछ रहा हूं, मैं क्या करूं गुठली, मतलब सोचा एक बार पूछ लूं लोगों से, अगर उनको काम आएगा तो शायद मैं उन्हें दे दूं, या फिर मैं उसको। मैं बताता हूं क्या करूं। तू गुठली ले, ठीक है, उसने ले ले, ठीक है। छी यार, तू 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 अरे फोन रखो, तू फोन के गलत आदमी, किसी और को एक लगाते, एक मिनट रुकिए। हेलो, पूरा कॉलर ट्यून सुनने ही नहीं दिया आपने। भाई कॉलर ट्यून कौन बोल रहा है, क्या कॉलर ट्यून सुननी इधर को? एक ही मिनट चाहिए भाई साहब, बहुआ बोल रहा हूँ। एक मिनट चाहिए इधर को?
मैंने इस पूरे आम का सीजन जो जा रहा है ना, 373 आम खाए, सारी गुठलियां बची हुई हैं, क्या करना है गुठली का? मैंने सोचा पूछूं शायद अगर आपको कोई काम हो। अबे गुठली तो अपने पहले झापट मारो ना, तेरा खींच के ना मुंह पे देख ले। गलत आदमी, झापट क्यों मारोगे? मुझे क्या रखो फोन, बदतमीज हो गए हैं पूरी दुनिया वाले यार, आम खाया गुठली बची और गंदा बोल रहे हैं। छी, एक और फोन लगाता हूँ उसके बाद तो बंद कर दूंगा मैं। पांच घंटे लगा भाई। हेलो भाई साहब, नमस्ते, बड़ा परेशान हो गया मैं। कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक मिनट चाहिए था आपसे। किससे बात करनी है? आप ही से करनी है। मैं इस पूरे आम के सीजन में, जो आम का सीजन अब जा रहा है, मैंने तकरीबन 373 आम खाए। लोग कहते हैं आम खा गुठली मत गिन, मैंने कहा क्यों? मैंने सारी गुठलियां जमा की, 373 हो गई, अब गुठलियों का क्या करूं? मैं लोगों को पूछ पूछ के परेशान हूं। मैं क्या करूं यार, मुझे क्यों फोन किया था ना? आप बताइए मैं गुठलियों का क्या करूं? अबे काम कर तुम गुठलियों का। अरे क्या, अबे सुन तो ले, बोल। अबे बोल तो रहा हूं, क्या है? क्या क्या करूं, क्या गलत? सुन मेरी बात। हां तुम गुठलियों का काम कर, गड्ढा खोद और सारे गुठलियों को उसमें गाड़ के और उनका पेड़ लगा, उनको धूप दे, उसको पानी वानी दे, समझ गया? मतलब उससे पेड़ लगेंगे तो अगले सीजन फिर दोबारा उसमें आम लगेंगे, आम लगने के बाद फिर लोग उसे खाएंगे। अच्छा तो आप कह रहे हैं कि उसको मैं जमीन में गाड़ के पेड़ बनाऊं और फिर उसमें आम और दूसरे लोग? ये हाँ, अबे तूने भी तो आम खाए हैं, वो भी तो किसी ने उगाए हैं। अब तो जो भी फेंक देते तो तू कहाँ खाता? सही बात है भाई साहब, नहीं होना चाहिए। आपके वो पैर का है भाई साहब? पैर पे पैर गिर गए होंगे, क्या हो गया? मैं उन्हें टच करना चाह रहा था क्योंकि आप मानोगे नहीं, इतने सज्जन, इतने संस्कारी, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आपने ये बोलोगे, क्योंकि इससे पहले, हेलो, क्या पहले, क्या इससे पहले मैंने कई लोगों को फोन लगाया था। अच्छा क्या बोला उन्होंने? मैं उन लोग को पूछा कि भैया गुठली है क्या करूँ, गुठली है क्या करूँ, पता है सबने बोला गुठली? क्या बोला उन्होंने? गुठली अपनी निकाल ले। जी आप भी वैसे ही निकले। अरे वैसे नहीं निकला, मैं तो समझा रहा हूँ, वो काम करने जिसको बताया। तो आपने ये क्यों बोला फिर अंत में? मेरे को लग रहा था आप संस्कारी अच्छे इंसान है। ये इंसान का रूप क्या है पता ही नहीं चलता। पहले बोलते है स्वार्थी मत बन, फिर बोलता है गुठली। सॉरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नव युवक। हाँ जी, मैं सॉरी मैं ये कह रहा था, एक चर्चा होती है जहाँ पर हम एक एक्सपर्ट बैरागी जी, जो हमारे घर के एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं, आपका स्वागत है। चर्चा आप दो मिनट लगेगा ना, समाज को क्या दिखाना पड़ेगा? आईना दिखाने का अपना कर्तव्य पूरा कीजिए आप। छोटा सा टॉपिक होता है भाई साहब, इतना चूं चपेड़ करने से अच्छा भी बातचीत खत्म हो जाती है, खत्म। बोलिए बोल रहे हैं तो बैरागी जी, आज की चर्चा का विषय है जी कि श्रीलंका की टीम भारत से फिर से हारी, लगातार हार रही, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लंका लग गई? देखिए लंका लगने की जो बात है आज से नहीं, पुरातन काल से कुछ ना कुछ लगता आ रहा है। भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ हूँ करेंगे तो पता रहेगा कि लाइन पे हैं। सबसे पहले आजादी के नारे लगे, उसके बाद पाकिस्तान के लग गए, लग, फिर दूरदर्शन पर महाभारत लग गई, लगी रामायण में दो तीर टकरा के लग गए, कानून लग गया, फिर टैक्स लग गया, जीएसटी लग गया, फिर फिल्म लग गई, जीजी विशा के बाप ने अखबार लगा दिया, फलिस्तीनी सैनिक का दिल लग गया, दांत में कीड़ा लग गया, बहुत चीजें लगते 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 बहुत लग रही हैं। और अंत में? अंत में तो फिर लंका की लग गई। हाँ इसीलिए लंका लग गए कहते हैं भाई साहब, कुछ कहना है आपको? और अंत में तेरे लगे नहीं वो गलत नहीं कर, पहले की इनका नाम बताइए। डुकोलो हमारे साथ थे। आप डुकोलो हैं? गलत बात कह रहा मेरा। नहीं इस बार की चिट्ठी कहाँ से भेजी? इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी के जलोड़ी पास नगर में, पितृ पूजन के बाद तली पूरी हाथ में लेकर कौओं को आवाज देने वाली गगनी चेलो कहती हूँ गाइस एफ से रॉकिंग ऑसम। गगनी जी कौआ से पूछ रही है कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये कर रही है पूजा असली, बजाते रहो पर एफ से रॉकिंग तो कभी नहीं हुआ। हेलो अंकिल जी नमस्ते, और मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हाँ हेलो, आपसे दो मिनट चाहिए था, एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले तीन चार लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को डेढ़ मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा, आपके फायदे की होगी। ठीक है बताओ, लोन वोन तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब, लोन वोन नहीं है।
आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी, अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है। अच्छा, उन्होंने बताने से मना कर दिया। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, कहते अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम बताएगा, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे बातचीत करेगा, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा, फिर ट्रेन आने वाली हो सकता है, तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा। अरे इतना क्या ले लिया यार, ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे सुन, आगे सुन, और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद वो मुझसे कहता है हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जाए बगल में, फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए, और फिर मेरी बेटी तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे, और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहते जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है, आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। अरे बोल, किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। गलत बात भी, गलत बात बोल के फोन काट दिया। 93.5 FM बहुआ बोल रहे, बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो, हेलो, हेलो जी, 10 ग्राम। कौन बोल रहा है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम बहुआ है, 75 ग्राम। कौन बहुआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? 45 ग्राम। भाई साहब कौन बोल रहे हैं आप? मैंने अभी बताया मेरा नाम बहुआ है, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, 125 ग्राम। भाई कौन बहुआ, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, बातचीत के बाद ही आदमी एक दूसरे को पहचानता है ना, ऐसे नया नया कोई मिलेगा तो कोई एक दूसरे को कैसे पहचानेगा 225 ग्राम। अबे तू ग्राम ग्राम क्या कर रहा है भाई? हेलो 10 ग्राम। अरे फिर ग्राम क्या बक नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 15 15 15 45 ग्राम। फिर ग्राम भाई तू सीधी बात कर, 1 सेकेंड, 21 ग्राम। आदमी की बात में वजन होना चाहिए, वरना उसकी बात कोई नहीं सुनता, इसलिए मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ उसका वजन साइमल्टेनियसली निकाल ले रहा हूँ, 325 ग्राम। हेलो गंदा बोल रहे हैं आप, 145 ग्राम। हेलो भाई साहब फोन कट गया था, 45 ग्राम। तेरी 2 ग्राम में ग्राम ग्राम बहुत हो गया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आदमी की हर बात में वजन होना चाहिए, 50 ग्राम। हाँ तो सुन, तेरी लट दे के तोड़ दूंगा 100 ग्राम, ठीक है, तेरी 50 ग्राम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 25 ग्राम, ओहो 10 ग्राम, ओहो ऐसा क्यों, ओहो बोल रहे हैं 50 ग्राम। तेरी अतरा है तेरी, इसका शायद 2.5 किलो हुआ है। हाँ तो अपने ले लेना, साथ में क्या ले रखा तेरी? आप तो बुरा मान गए, 525 ग्राम। तेरी दे दूंगा। कितना? कितना? 10 किलो। 10 किलो। आप जैसा घिनौना इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है, आपका नाम जो भी है 25 ग्राम होगा। 20 ग्राम। ऐसा कुछ नहीं करना मुझे, मैं रख रहा हूँ 525 ग्राम। कितना पिटेगा? इसका कितना हुआ वजन तो बोल दे। वजन 10 किलो हो गया टोटल। खुद भी ओके बाय, 85 ग्राम। माय गॉड कैसे कैसे लोग हैं, 125 ग्राम। हेलो 10 ग्राम। हेलो, हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? दांत तोड़ दूंगा तेरे। ठीक है, किससे बात करनी है तुझे? एक सेकेंड, ऐसा मेरे पापा अक्सर कहते थे जब मैं ही हंसता था, बेकार तो बात। ठीक है, यहाँ फोन करके क्यों आ रहा है? पापा कहते थे तो औकात में थोड़ी औकात में रहे अपनी, तू अपनी औकात में रहे। भाई साहब गंदा क्यों बोल रहे हैं? तो तू कौन सा सही बोल रहा है? पूरा तो सुनो, औकात में रहे अपनी, ऐसा हमारे यहाँ पर एक बड़े सेठ जी थे जो बाकी लोगों को बोलते थे, लोगों ने सेठ जी को औकात में ले आया, उनसे बात ही नहीं। तू यहाँ फोन कर क्यों फोन करा तूने? एक मिनट, ठीक है तुझे अपने बाप को जवाब देगा? तेरी जहां भी नहीं, नहीं सुनो, जब भी मैं अपने पापा को कुछ कहता था तो वो मुझसे कहते थे अपने बाप को जवाब देगा। आप पूरा सुनो तो, आप तो गंदा जाके अपने बाप यहां की है। तेरी टांग तोड़ दूंगा, समझा? तेरी तोड़ दूंगा। आप फिर नहीं, मेरे ताऊ जी, मेरे तेरा पूरा खानदान ऐसा आएगा, मेरे ताऊ जी। तुझे शकल देखी अपनी आईने में?
तू ऐसी शक्ल है तेरी गधे मेरी फोन रख मेरी बंदी मुझसे कहती थी सर आप तो गलत बोल रहे हैं पूरे सुनाई नहीं और फोन काट दिया आवाज ही नहीं आ रही हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते कौन मैं कौन वो तो आपको बताऊंगा आप कौन हेलो सॉरी मैं क्या कह रहा था हाँ जी मेरा नाम बउआ है हेलो आप एक मिनट लोगा ज्यादा सवेरी लोगा कौन बउआ जमाना इतना आगे निकल गया है कि लोग कहते हैं आजकल 2 रुपए में मिलता क्या है आप भी मानते हैं इस बात को हाँ ये तो है अच्छा मैं बताता हूँ 2 रुपए में मिलता है ना 1-1 रुपए के 2 सिक्के मिलते हैं 2 रुपए में क्यों दिमाग खा रहा है मेरा सूरे सूरे एक सेकंड और मैं बताता हूँ सगुन का लिफाफा आता है कि नहीं 2 रुपए में कहा था 5 रुपए में आता सुन तो उसके ऊपर जो 1 रुपया चिपका होता है वो 2-2 रुपए का 1-1 कड़ाके तो चिपका है रेलवे स्टेशन गए हो कभी आवाज से तो लगता है वहीं जाते हो गए एयरपोर्ट सुनो फोन कार्ड एक सेकेंड रेलवे स्टेशन पे जो वजन निकालने की मशीन होती है उसमें 1-1 रुपए का 2 बार आप वजन निकाल सकते हो 2 रुपए डाल के अब बताओ 2 रुपए मिलता क्या है बड़े हेलो नेटवर्क में कुछ दिक्कत है ना भाई साहब फोन कट गया था अबे कटा नहीं था काटा था गधे आप सही में मानते हैं कि 2 रुपए में कुछ नहीं मिलता आजकल 2 रुपए में क्या मिलता कुछ नहीं मिलता भाई साहब अभी पिक्चर का वो डायलॉग ही नहीं बनता जिसमें हीरो कहता है मैं जब इस शहर में आया था तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपए का सिक्का था ये डायलॉग 2 रुपए में डायलॉग मिलता है गरीब को दे दोगे तो 2 रुपए में दुआएं मिलेगी आप अमीर भी बन सकते हो तो भाई अगर तो गरीब मुझे दुआएं देगा वो खुद ही अपने आप को ले ले दुआएं तो वो खुद अमीर नहीं बन जाएगा लॉजिक तो आपको लगाना ही नहीं है लॉजिक की एक पोटली बनानी है वही पोटली तेरे पिछले में दे दूंगा एक आखिरी सुनो 2 रुपए से आदमी करोड़पति बन सकता है पूछो कैसे वो कैसे बन सकता है क्रिकेट का मैदान 2 कप्तान खड़े हैं सामने मैच रेफरी है अच्छा 2 रुपए से टॉस उड़ाया टॉस में हेड्स या टेल्स में से कुछ आया क्रिकेट अच्छा। खेले मैन ऑफ द मैच हुआ करोड़ों रुपए मिल गए बताओ 2 रुपए आप 1 मिनट अपना पता लिखवा सकते हो भाई साहब क्यों क्या करेगा ये 2 रुपए आपको भेजूंगा मैं रख ले बात कर रहा है 93.5 FM बजाते रहो अंकिल नमस्ते बउआ बोल रहे हो ये 2 रुपए गिर गए हेलो नमस्ते भैया अंकिल हेलो बोलो हाँ कौन हेलो जी मैं बउआ बोल रहा हूँ हाँ बोल बोल भाई साहब 28 फरवरी की होती है जब अच्छा तो इसमें क्या करूँ तो 28 दिन की होती है तो फरवरी 28 दिन की अगर होगी तो इंसान योगा सीखेगा मन शांत करेगा स्पेशली आप हैं मेरा मन शांत करेगा एक सेकंड रुकिए नहीं आप मैं नहीं करूंगा आप खुद करेंगे देखो 28 दिन का फरवरी और योगा का कनेक्शन मैं बताता हूँ सपोज 28 दिन की है बाकी महीने में 30 और 31 दिन होते हैं किसी किसी में फरवरी 27 दिन की भी होती है कान के नीचे कान के नीचे का कभी मास्टर साहब ने मारा नहीं 27 दिन की फरवरी कहाँ अंटार्कटिका में होती है 4 साल में एक बार ही नहीं होती है ये, ये, ये। अबे 28 और 29 होती है 27 कहाँ होती है तू तो 26 कर दे 28 दिन से फायदा ये है कि अगर तेरे घर में टीवी है तो केबल का बिल कम आएगा अगर मतलब क्या होता है मतलब टीवी है आप ये कह रहे हैं है मेरे घर में टीवी है तो बिल कम आएगा क्योंकि बाकी दिन 2-3 दिन का ज्यादा आएगा अगर तेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल का भी कम आएगा क्योंकि 28 दिन ही है अगर क्या है अच्छा मतलब मोबाइल भी है आवाज कट रही है आवाज जो दूसरी चीज है जो कट रही है हाँ मैं बताता हूँ मतलब मोबाइल भी है तीसरा ये कि अगर आपके पास गाड़ी भी है तो आप 28 दिन है तो आप कम गालियां खाओगे पूछो कैसे क्योंकि आप आपका स्वभाव ना एकदम चिड़चिड़ा है आप गाड़ी में भी जब जाते होगे ट्रैफिक में फंसते होगे चिड़चिड़ा जाते होगे दूसरे को गाली देते होगे पलट के वो भी देता होगा तो बाकी दिन 30 और 31 दिन गाली खाते हो इस दिन सिर्फ 28 दिन गाली खाओगे और इसी चिड़चिड़े स्वभाव को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको योगा करना चाहिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ 28 दिन है अगर फरवरी तो थोड़ा स्वभाव शांत करो आवाज कट रही है आवाज दूसरी चीज है जो कट रही है 27 दिन वाले फरवरी ऐसे आदमी से बात करने में अपनी तौहीन समझता हूँ जिसके लिए फरवरी में 27 दिन होते हैं कौन से कैलेंडर में हेलो उत्तरी गोलार्ध में रहते हो क्या जो 27 दिन है
अंकिल नमस्ते बउआ बोलियो। हेलो हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, मैं आपसे एक मिनट लेना चाह रहा था, आम का सीजन जा रहा है। हाँ, तो मेरे को क्यों बता रहा है? इसलिए बता रहा है कि पूरे सीजन मैंने 373 आम खाए उसकी। हेलो हेलो प्रमोद है? अरे तुम बर्बाद कर दियो हमको प्रमोद, तुम्हारे कारण जो हुआ है हमारे साथ में प्रमोद हम बता नहीं सकते। हम कौन बोल रहे हैं? तुम मिल गए ना, हम तुमको भी बर्बाद करेंगे प्रमोद, ठीक है? बहुत 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 खुद को स्मार्ट समझते हो है? तुम्हारे कारण हम 50 लाख का मेरा घर 35 लाख में बेच दिए, बीवी का ज्वेलरी उठा। सुन पहले मेरा बात, पहले मेरा बात सुन, बीवी का ज्वेलरी वगैरह सब बेच दिया हम उठा करके, ठीक है? मेरा फिक्स डिपॉजिट तोड़वा दिए कम इंटरेस्ट में, सब तोड़वा दिए खब तुम्हारे कारण, और अब देखो हम बर्बाद हो गए। अब पैसा कौन बोल कौन रहा है? पैसा सब तुमसे निकलवाएंगे हम, बता दे रहे हैं। अबे दिमाग खराब करेगा, रख दिमाग तुम्हारा खराब। सुनो पोस्ट तुम डाले थे ना? हाँ तो पोस्ट डाले तो क्या हुआ बे? पोस्ट डाला था तुम 21 जून को, दुनिया खत्म हो जाएगी, डाला था। हम सब बेच दिए तुम्हारे चक्कर में कि खत्म हो जाएगी, तो रख के क्या करेंगे? बीवी का ज्वेलरी बेच दिए, घर बेच दिए, सब बेच दिए, कुछ भी नहीं हमारे पास। अरे सुन, पूछ के बेटा बे, पूछ के बेटा, तुम पोस्ट डाला था कि नहीं डाला था, बताओ हमको, पूछ के करेंगे सब काम। हेलो हाँ कौन? प्रमोद जी। हाँ बोलो, कौन बोल रहे हैं? प्रमोद जी, मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मतलब आपने मेरी लाइफ बदल के रख दी। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे पता नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू मीट यू एंड हग यू वंस। मिलना है? हाँ मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपको एक बार गले लगा के थैंक यू बोलना है। अरे मिलना वाला ठीक है, समझ रहे, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा गले क्या मतलब है। आप समझ नहीं रहे हैं, आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई है प्रमोद जी। अरे आपका लेकिन जो आप ना समझेंगे मेरे को, मेरा 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 डिवोर्स हो रहा है आपकी वजह से। डिवोर्स हो रहा है? हाँ मेरा डिवोर्स हो रहा है आपकी वजह से, और मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो याद है ना आपने एक पोस्ट डाली थी? हाँ तो 21 तारीख को दुनिया खत्म हो जाए इससे पहले मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया। भगवान, कौन है तुम लोग रे? अरे ये हमारी बीवी है भैया, हम बता रहे ना, हमको डिवोर्स दे दी, सब सच सच बोल दी कि इसका राहुल के साथ में, प्रीतम के साथ में, पता नहीं मार लिए थे, सबके साथ में अफेयर है, सबको इन्होंने बता दिया हमको। हमने बोला कि भाई तुम अपना रास्ता, हम अपना रास्ता, देखिए इसके लिए हम आपको थैंक यू जरूर बोलेंगे। देखिए गाली दे रहा, आप सुनिए। व्हाट्स? आप कौन बोल रहे? पहले हम आपको व्हाट्स कहना चाहते थे, अब हम आपको प्रभु कहना चाहते हैं। मैं ऊपर वाला बोल रहा हूँ। टिंग। कौन ऊपर वाला, क्या काम है? ऊपर वाला बोल रहा हूँ प्रभु, जिसने सृष्टि की संरचना की, आज वो स्वयं आपको प्रभु कह रहा है, क्योंकि सृष्टि का विनाश कब होगा आपने स्वयं बता दिया था फेसबुक पर। आपसे बड़ा तो और कोई हो ही नहीं सकता प्रभु। फेसबुक पर क्या मतलब क्या है? पोस्ट डाले थे ना 21 तारीख को दुनिया खत्म, प्रभु प्रमोद प्रभु। रे, रे। मेरा फेसबुक है, मेरा सारा कुछ है। हाँ, उसको पोस्ट डाला, तेरा क्या चाह रहा है? सुन ना, हमको एक तो नया आपको देना था, कॉस्मिक किरणें गुजरेंगी आज रात को 1 से 4 के बीच में, तो मोबाइल फोन बंद करना है, ये वाला भी अपलोड करना है, फैलाना है इसको ज्यादा दिमाग का, फोन पटक दे। फोन पटकेंगे आप ही का नुकसान होगा। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे भाई साहब आपको, आपके पोस्ट के लिए। पोस्ट नहीं डालेंगे। डालिए, आपको जो डालना 21 जून। हेलो कर रहा है यार। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक। हेलो
कोरोना की कॉलर ट्यून को बदलने के लिए एक दबाएं, अन्यथा दो दबाएं। आपने जो विकल्प चुना है वह दो है, अर्थात आप कोरोना की कॉलर ट्यून से बहुत संतुष्ट हैं। ओ भैया, भाई एक दबाया है। कोरोना की कॉलर ट्यून को बदलने के लिए एक दबाएं, अन्यथा दो दबाएं। आपने एक का विकल्प चुना है। हाँ। अपने विकल्प को कंफर्म करने के लिए एक दबाएं, अन्यथा दो दबाएं। एक ही तीन बार होगा, एक दबाएं तो पूरा। भाई होता है, हम क्या करें बताइए, ऐसे हम लोग को भी करना पड़ता है ना, दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, आप ऐसे इरिटेट होंगे तो नहीं चलेगा ना। हेलो जी, भाई ये तो कौन? सर मैं वही बोल रहा हूँ जो अभी ऐसे आपसे बात कर रहा था ना, ये हमारी नॉर्मल आवाज है। ठीक है ना, दिक्कत क्या होती है कि हमें ऐसे करना पड़ता है, वो टोन में बात करनी पड़ती है। कई कई बार सर ऐसा होता है, एक से लेकर नौ तक हम बोलते हैं, ठीक है ना, फिर हमको बोलना पड़ता है मेन मेन्यू में जाने के लिए आप स्टार दबाए, लोग स्टार दबा देते हैं, फिर एक से लेकर के नौ तक हमें बोलना पड़ता है, दिक्कत होती है सर हमें बहुत। मतलब रिकॉर्ड नहीं होता ये बंदा बोल रहा होता है? बिल्कुल, अगर आप चाहें तो हम आपकी कॉलर ट्यून को बदलने की प्रक्रिया को आगे ले जा सकते हैं। सुना सर आपने? हाँ, ये रिकॉर्डिंग नहीं सर, लाइव होता है, दिन भर बैठ के यही करते सर हम। भाई मतलब कॉल आती है तो ये ऐसे यार तुम लोग ऐसे बना के बोलते हो? हाँ सर, बना करके बोलना पड़ता है, क्या करें सर, वो दिक्कत होती है ना। चलिए सर, अच्छी बातचीत बाद में करेंगे सर, लेकिन अभी प्रक्रिया को शुरू करते हैं। आगे चले सर। हाँ भाई हटानी यार कॉलर ट्यून, मैंने एक दबा दिया है जी, उसके आगे ले रहे अब। अच्छा दोबारा दबाना पड़ेगा? एक नहीं नहीं, दोबारा नहीं दबाना, उसके आगे का खेल जारी रखेंगे हम। अच्छा अच्छा ठीक है, बताओ जी। तो कॉलर ट्यून को बदलने के लिए आपने एक का विकल्प चुना है, इसे रिप्लेस करके हम आपकी एक फेवरेट गीत को आपका कॉलर ट्यून बनाएंगे। कृपया अपना फेवरेट गाना गुनगुनाएं। गाना भाई फेवरेट सर, आप जल्दी कीजिए ना सर, आगे और 56 लोगों को कॉल करना है सर, जल्दी कीजिए थोड़ा। अरे भाई वो वाला भाई वो, हाँ। मन मस्त मगन मन मस्त वो वाला लगा दो भाई। आपने जो विकल्प चुना है वह हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल है, जरा रुकिए, आपकी नई कॉलर ट्यून होगी। मन मस्त मगन मन मस्त। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल। भाई ये कब आ गया यार गाने में? आंख नाक और मुंह को छूने से रुकें। ये इस वक्त बहुत जरूरी है, हमें खेद है, लगता है ये सिस्टम की गड़बड़ी थी, हम एक बार नॉर्मल। अरे भाई यार सिस्टम गड़बड़ी का, कोई लगा दो गाना यार। आप क्या बोल रहे थे, नॉर्मल? भाई वही वाला गाना लगा दो ना जो नॉर्मल लग रहा। नॉर्मल? हाँ सर नॉर्मल लगाते। एक मिनट रुके। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से, ये थोड़ी लगाना है। यही Hello? विकल्प आपके फोन के लिए बेस्ट है। तू बता रहा मुझे कौन सा विकल्प बेस्ट है हमारे फोन के लिए? मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाए। मेन मेन्यू यार, मेन मेन्यू क्यों जाऊंगा भाई मेरा गाना। अन्यथा हैश दबाए। हेलो, या फिर शून्य दबाए। भाई तू तो नॉर्मल बात कर सकता ना, तूने बताई थी अभी वैसे बात कर ले। हाँ तो नॉर्मल बताइए सर, क्या करना बताइए। भाई जो गाना मैंने बताया ना, वो मन मस्त मगन वो वाला गाना लगा दो भाई। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाए। ले दबा दिया भाई। आपने गलत बटन दबाया है भाई। मेरे किस सारे और किसके साथ थोड़ी बन रहे हैं। हेलो अरे भाई साहब, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। यार आज क्वालिटी मैच जाएगी, मैं बहुत डोंट गेट इरिटेटेड, ये आपकी भलाई के लिए। रेड एफएम 93.5। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाए। दबाते रहो बजाते रहो। हेलो मिस्टर विक्रम। यस, आपने में एक इंटरव्यू दिया था। ओह यस, आई एम द हेड एचआर एंड आई हैव कॉल्ड टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर सॉरी दैट यू आर नॉट सिलेक्टेड। व्हाई सर? बहुत सारे कारण थे विक्रम, जब हम आपकी सीवी देख रहे थे तो हमें लगा आपकी एक्टिविटीज से लगा दैट यू आर नॉट फिट फॉर द कंपनी।
समझा नहीं सर। ओके, आप जिस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं वहाँ पर आप थंब प्रिंट देते हैं हर दिन? मतलब थंब प्रिंट देते हैं ना, थंब प्रिंट दे करके आप ऑफिस में घुसते हैं, राइट? हाँ। तो मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद देखिए आप आज भी अंगूठा छाप है। डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ PFA? PFA जी हाँ, मैं PFA लिखता हूँ वहाँ पे। हाँ, तो आप लेड बैक एंड लेजी। PFA लिखने से कौन लेजी हो जाता है सर? PFA का फुल फॉर्म बताइए। प्लीज फाइंड अटैच। तो आप ये भी लिख सकते हैं हर मेल में PFA लिखते हैं आप। दैट शोज दैट हाउ लेजी यू आर। डेढ़ सेकंड बचा करके आपने क्या कर लिया बताइए सर? व्हाट डिड यू अचीव? बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, आई हैव बीन द ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन से भी हमें याद आया ये जो आप मेल पे FII लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप डेढ़ सेकंड बचा करके क्या उखाड़ लेते बताइए? लेकिन सर उससे इसका क्या मतलब? उससे मतलब सिर्फ यही हो रहा है कि हम बकवास कर रहे हैं। हेलो विक्रम। यस। जहाँ पर इंटरव्यू दिया आई होप वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। हम लोग मुर्गा बना रहे थे आपका। क्या सर? मैं सीरियस हो गया था ना। नहीं लेकिन मतलब काम चोर तो आप हैं ऐसा हमें लगता है। ठीक है सर, अगर आप कहते तो मैं मान लेता हूँ कि मैं काम चोर हूँ और इसके बाद फिर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। हेलो। दो सवालों के आसान जवाब देकर जीते 10,000 रुपए। कॉन्टेस्ट खेलने के लिए बीप के बाद 1 दबाएं। आपने कॉन्टेस्ट खेलने का विकल्प चुना है, हम आपकी इस फोन लाइन को ट्रांसफर कर रहे हैं। नमस्कार, कॉन्टेस्ट खेलना है आपको? हाँ जी। अपना नाम बताइए। राजेश शंकर गुप्ता। धीरे धीरे बताइए, कंप्यूटर नहीं है, लिख रहे हैं। राजेश शंकर गुप्ता। गुप्ता। अच्छा जरा बताइए कि आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है। कोई विशेष कारण? अरे ये कैसा सवाल है, नहीं हुई है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क? अरे किस चीज का आइडेंटिफिकेशन मार्क यार, कॉन्टेस्ट खेलना है, क्वेश्चन सवाल पूछो। नहीं, जब जीतेंगे तो आइडेंटिफिकेशन मार्क की जरूरत है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो बताइए। स्किल है मेरा, और क्या बोले तुमको। कॉन्टेस्ट के दूसरे पड़ाव में आपका फोन ट्रांसफर किया जा रहा है। हेलो। हेलो जी, कॉन्टेस्ट खेलना आपको? हाँ जी। शादी आपकी नहीं हुई है ना? नहीं हुई है। कोई विशेष कारण? अरे फिर से वही कारण। नहीं, कोई कारण नहीं है, ऐसे ही शादी नहीं बनाए हैं। सवाल पूछिएगा कि काट दे। हम आइडेंटिफिकेशन मार्क है कोई? नहीं है, नहीं है, हम रख रहे हैं। हेलो। हेलो सर, मैं वो दो सवालों के जवाब दे और कॉन्टेस्ट जीते वाले डिपार्टमेंट से बोल रही थी सर। मेरा नाम प्रिया है। बोलिए। जानकारी मिली है कि मेरे जो दो कलीग हैं जिनसे आपकी बातचीत हुई थी उनके साथ में आपकी कोई असुविधा हुई? आप थे वो बहुत थे, उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे थे, पता नहीं क्या कॉन्टेस्ट का बारे में उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे थे। सर उन दोनों को हमने कंपनी से बाहर निकाल दिया है सर। निकाल दिया इतना जल्दी? हाँ, हमारे यहाँ सर हायरिंग एंड फायरिंग वाली पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है सर। क्या मैं आपको इस कॉन्टेस्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी दे सकती हूँ इन डिटेल्स? दीजिए। सर एक लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल सर, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क? नहीं है आइडेंटिफिकेशन मार्क। हो सकता है कि आप मुझे बोलने में शर्मा रहे हैं, मैं आपका फोन मेरे मेल कलीग को ट्रांसफर कर रही हूँ, आप उन्हें बता सकते हैं सर। हाँ सर, आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए, औरतों को बोलने में शर्म आता होगा। तुम वही हो ना इससे पहले जो बात कर रहे थे? हाँ, बस रेजिग्नेशन लेटर दिए हैं अब। फिर से तुम लोग? हाँ सर, हमारा नोटिस पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ सर, वो कंप्लीट करेंगे फिर जाएंगे सर। आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए सर, कौन सी जीतने के लिए था? Hello. Hey, I'm Mark. Mark. Yeah, my full name Mark. Is Identification Mark. तुम लोग गुप्ता जी, मैं प्रवीण और वो आर्जुन नील, अपन दोनों मिलके मुर्गा बना रहे थे आपका। तुम लोग वो रेड एफएम वाले हो क्या? हेलो। रेड एफएम आगर चला?
हाँ जी कौन बोल रहे हैं? अमरापाली से बात हो सकती है प्लीज? हाँ जी मैं अमरापाली बोल रही हूँ, कौन बोल रहे हैं? नील बोल रहा हूँ, रेड एफएम कोलकाता से। आई हैव जस्ट कॉल्ड यू फॉर समथिंग वेरी अर्जेंट। सो सिंस अगरतला में नया स्टेशन खुला है और हमारे यहाँ पे कोलकाता में ना अभी सैफ अली खान आए हैं। सैफ अली खान? यस यू हर्ड इट राइट। ओह माय गॉड, ओके आई विल गिव यू दैट 4-5 मिनट्स टू टॉक टू हिम डायरेक्टली ऑन द फोन, सो आस्क हिम गुड क्वेश्चंस, ही वुड आल्सो टॉक टू यू। मतलब मैं बात करूंगी उनसे? एब्सोल्युटली। सो अमरापाली ठीक से, आई नो यू डिडंट गेट टाइम टू प्रिपेयर एंड ऑल दैट, बट स्टिल handle it properly because it's Saif Ali Khan, Bollywood star. Okay. मैं कैसे? अरे अमरापाली टाइम नहीं है, सुन मैं जल्दी फोन हैंड ओवर करता हूँ, ठीक है? हैंडल कर लेना। ओके सर यह आर जॉक फ्रॉम अगरतला इज देयर। हे आई एम अमरापाली, हाउ यू डूइंग? ओह माय गॉड सर, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आई कांट बिलीव। Hey यार, I'm doing very very good यार, मैं जिंदगी बड़े मजे से जी रहा हूँ बेबो से शादी करने के बाद में। Oh my God sir, मतलब मैं तो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि that I'm talking to the Saif Ali Khan। Hey यार, मैं भी अभी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ that I'm talking to Amrapali। So I'm a big fan of yours sir। Hey listen यार, I'm here to talk about my new project, Red Captain। Red Captain सर, मैंने लाल कप्तान के बारे में सुना था। यार let me tell you यार, तुम्हारी ट्रांसलेशन बहुत सही है, कब ब्रिटिश काउंसिल से सीखी है क्या तुमने? सर आप भी ना, अभी मेरी और एक मूवी आई थी स्काई इज पिंक। लेकिन सर उसमें तो फरहान अख्तर और लिसन यार, उसमें स्काई दिखाया था ना स्काई इज पिंक में। हाँ तो यार मैं वो स्काई में स्काई डाइविंग कर रहा था इसलिए दिखा नहीं, प्रॉपर कैमरा नहीं था ना उस टाइम में। बात कर रहे हैं सर, आई एम टॉकिंग अबाउट माय प्रोजेक्ट व्हाट आई हैव डन। ए नील यार, व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस? सर अमरापाली क्या कर रही है? सॉरी क्या कर रही है तू? तुम सिर्फ सुनो ठीक है, एंड जस्ट जितना बोलना है उतना बोल ठीक है सर, प्लीज प्लीज टॉक। लाल कप्तान जो है, ये रोल क्या है आपका इस मूवी में? यू नो व्हाट, आई लव ईटिंग वेज रोल। सर क्या आप भी? ए आर यू लाफिंग? नहीं सर। ए व्हाट काइंड ऑफ अ जोक इज दिस? You think it's fun? Hey, listen, Amrapali, this is not funny, yaar. I'm not going to talk to you, yaar. No, this is not funny. You are laughing. I'm sorry, sir. Anyways, let me tell you. Amrapali, itta sorry mat bol. Amrapali, main RJ. मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेडियो में बोल रहा हूँ। वेलकम टू रेड एफएम 93.5 अमरापाली। हेलो, नमस्कार, पवन गुप्ता जी से बात हो रही है? हाँ जी पवन बोल रहा हूँ। सर वो शादी का एड देना था, मैं न्यूज़पेपर कंपनी के जो कॉपी टीम है ना, जो ये एड लिखी है वहाँ से बात कर रहा था। सर अभी क्या है ना कि हम लोग नई नई तरह की कॉपी लिख रहे हैं, कुछ क्रिएटिव एड्स देने की कोशिश कर रहे हैं पवन सर। अच्छा है ना, तो हमने आपके लिए एक कॉपी चूज करके रखी है, आप सुन के देख सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो विल गो अहेड विद दिस सर। हाँ ठीक है ना। तो सर हमने एड ऐसा लिखा है कि सुबह जब मैं उठूं तो वो कमरे में चाय लेकर आए, ठीक है सर? ये कैसा? नहीं आगे बता रहा हूं, सुबह अच्छा। जब मैं उठूं तो वो कमरे में चाय लेकर आए, मैं उसकी बाहों को पकड़ लूं और वो कहे छोड़िए ना मुझे, छोड़िए ना, छोड़िए कोई देख लेगा, और जब आप छोड़े नहीं तो वो चिल्लाए मम्मी जी मैं आई। जरूरत है एक ऐसी बीवी की जो जिंदगी के इन हसीन लम्हों को हमारे साथ बिताने के लिए तैयार हो। सर सर ये कुछ अटपटी सी नहीं लगी आपको? सर आजकल ये चल रहा है सर, बहुत फेमस है। पवन गुप्ता सर आपकी उम्र कितनी हो गई सर? 36 ना सर, 36 ओवर के बाद तो बॉल भी रिवर्स स्विंग करती है सर। अब आप बता, शादी के लिए कुछ क्रिएटिव? हेलो एक मिनट नहीं, आप बोल कौन रहे? सर मैं वो न्यूज़पेपर कॉपी डिपार्टमेंट से बात कर रहा था सर। हम लोग वैल्यू, सर एक मिनट सर, हम लोग वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देते हैं सर, मतलब शादी के इस ऐड के साथ में विल गिव यू कॉलर ट्यून। लड़के की आवाज में या लड़की की आवाज में? लड़की की आवाज में बेहतर रहेगा ना सर? हाँ लेकिन कॉलर ट्यून कैसे, समझा नहीं सर? कॉलर ट्यून हम आपको देंगे सर, जब भी कोई आपको कॉल करेगा ना सर तो सामने वाले को सुनाई देगी ये आवाजें। हेलो, क्या आपकी नजर में कोई है जो मेरे पवन भाई के लिए सुबह चाय लाए? और पवन भाई जब उनका हाथ पकड़े तो वो शर्माते हुए चिल्लाए मम्मी जी आई। सर एक मिनट पूरा, क्योंकि भैया की उम्र 36 है और 36 ओवर्स के बाद तो बॉल भी नहीं कौन रहा है तो?
सर अच्छी नहीं लग सर सर हम दूसरी लिख सकते हैं और भी कॉपी आपको दे सकते हैं सर। नहीं दूसरी लिखने का क्या मतलब, इस मेरी क्या उम्र हो गई, क्या हो गया फिर भाई रख दिया। हेलो नमस्कार सर, मैं आपके बैंक के ब्रांच से बोल रहा हूँ सर, पवन गुप्ता जी। हाँ जी सर, वो थोड़ा KYC का थोड़ा ठीक ठाक करना था, दो तीन सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। KYC? हाँ जी जी जी, ये थोड़ा कंफर्म करना था सर। सर आपका नाम पवन गुप्ता है, आपके रिकॉर्ड में होगा ना? हाँ हाँ, मतलब कंफर्म करना है सर। हाँ कंफर्म हो गया आपका, बता। हाँ पवन गुप्ता जी है ना आप? हाँ जी। आपका उम्र 36 है? हाँ जी 36 है। और सर मैरिटल स्टेटस सर? सिंगल। सिंगल ना सर, 36 हाँ। में सिंगल सर, वो तो मतलब क्रिकेट बॉल भी 36 ओवर के बाद नहीं है, मतलब क्रिकेट ये क्रिकेट... बता रहे हैं सर आपको 36 ओवर्स के बाद क्रिकेट। फिर तो दोबारा करने लगे सर। एक बात बताऊं सर जी, आपकी जो भाभी है उन्होंने आपका नंबर दिया था आपको मुर्गा बनाने के लिए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, पर जितने की आपकी उम्र है ना सर, आप देवर नहीं सर जेठ बनने लायक है। ऑलराइट, सो आप भी अगर किसी को मुर्गा बनाना चाहते हैं देन डाउनलोड कीजिए रेड एफएम इंडिया ऐप एंड अपनी रिक्वेस्ट भेजिए वहां पर, भेजिए भेजिए भेजिए। और सुनो भाई, कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा कि प्रवीण भाई आप भी 34 के हो, मत लिखना भाई बया मेरा। हेलो जी, दीप्ति जी से बात हो रही है? हाँ जी बताइए। दीप्ति जी नमस्कार, आप जो लूडो गेम खेलती है ना आपके मोबाइल फोन पर? हाँ जी हाँ जी, उस ऐप वाली कंपनी से बात कर रहे थे हम। अच्छा ओके। सो दीप्ति जी, हमने देखा कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन आपने सबसे ज्यादा हमारे ऐप का इस्तेमाल किया है। जी, सबसे ज्यादा हमारे ऐप का इस्तेमाल किया आपने, एंड हमने ये भी देखा है कि आपके कार्ट में तकरीबन 1 मिलियन कॉइन पड़े हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये उससे ज्यादा है? नहीं, I think 1 million, हाँ, 1 million है ना? जी। तो ऐसा है ना दीप्ति जी कि जितने आपके कॉइन है ना उसका 1/4 इंडियन करेंसी में आपको मिलने वाला है, लाइक एज प्राइज मनी। व्हाट दिल्ली? जी। ओह माय गॉड, वाओ, बहुत अच्छी बात है। आपके जितने भी कॉइन्स है उसका 1/4 आपको मिलेगा, लेकिन मतलब कमाल आप खेलती है, बहुत बहुत उम्दा खेलती है आप, कैसे कर लेती है? अरे यार नथिंग, जस्ट यू नो बटन का टैप। अरे खेलने में उस्ताद है ये लड़की, बहुतों के साथ खेल रखा है इसने। जी दीप्ति जी, क्या 1 second? हाँ जी 1 second, पीछे से किसी ने कुछ बोला लाइक? नहीं दीप्ति जी, आवाज आई बहुतों के साथ खेल। नहीं नहीं दीप्ति जी, ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ, आपको कुछ सुनाई दिया क्या? आई हर्ड अ वॉइस, अभी मुझे नहीं दीप्ति जी। अच्छा दीप्ति जी, मुझे ये बताइए ये जो 2.5 लाख रुपए ये आपको अकाउंट में चाहिए या कैश में चाहिए? कैश का है क्या सीन? कैश हो सकता है क्या? ऑप्शन तो है हमारे पास में मैम, वी कैन डेफिनेटली, है ना? और मतलब आपकी स्ट्रैटेजी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमने यहाँ से मतलब बैठे बैठे हमारे सर्वर पे आपका गेम नोटिस किया है कि कैसे भी कोई गोटी ना आपके घर के आगे जाती है आप फट से स्ट्रैटेजिकली उसको काट देती है, पता नहीं आपके वो नंबर भी कैसे आ जाते हैं एकदम, है ना? अरे वो आई टोल्ड यू ना कि मतलब अपने स्टेक कभी भी खेलते हो लाइक कभी भी नंबर टैप है, इट्स ऑल अबाउट लक, कभी लक के। अरे काटने में एक्सपर्ट है ये लड़की, बहुतों का काट रखा है। व्हाट? जी आपके पीछे से ये जो आवाज आ रही है ये आप बोल रहे हो? दीप्ति जी मेरे पीछे से अगर आवाज आ रही है तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? दीप्ति जी आई, दीप्ति जी ऐसी कोई आवाज यहाँ नहीं आ रही है। लाइन के बाद तुरंत बाद ये लाइन कैसे आ जा रही है फिर? दीप्ति जी आई डोंट नो, कोई मिसकम्युनिकेशन होगा, लेकिन मैम ये जो रुपए हैं, अगर मैं रुपए की बात करूँ तो ये जो रुपए ये आपको 500 के नोट में चाहिए या 2000 के नोट में चाहिए? 2.5 लाख रुपए है।
आपको 500 में देना है आप 500 में दे दो, आपको 2000 में देना है 2000 में दे दो, आपको नहीं देना है ना तो भी मत दो, इट इज फाइन। आप गुस्सा नहीं, आप गुस्सा क्यों हो रही है मैम? मैं आपको बता रहा था कि जो नियम होते हैं ना लूडो के, जैसे वाली तो बात ही कर रहे हो यार, पीछे से आवाज आ रही है, खेलती है, काटती है, क्या बोल रहे हो मैडम? लूडो में जो नियम होते हैं ना, जैसे हरा हराता है, पीला पिलाता है, लाल ललचाता है और ब्लू बुलाता है, ये जो नियम है ना लूडो के नियम, इन नियमों को आपने तोड़ दिया है। आपका गेम इतना कमाल है मैम। जी as I told you यार, it's just खेलती हूँ, हो जाता है। अरे तोड़ने में एक्सपर्ट है ये लड़की, बहुतों का दिल तोड़ रखा है। जी दीप्ति जी, तोड़ रखा है, तोड़ रखा है। सामिया तू, सामिया इधर कौन बोल रहे है? क्या बोल रहा है तू? मजाक चल रहा है यहाँ पे दीप्ति जी। हेलो, मजाक आप... नहीं, मजाक चल रहा है किसी तरीके का यहाँ पे। आप गुस्सा दीप्ति जी, आप गुस्सा तरीका से कॉल कर करके इस तरीके से दीप्ति जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, आपके हस्बैंड के कहने पर ही मैं आपको मुर्गा बना रहा हूँ, क्योंकि आप दिन भर लूडो खेलते रहते हैं। आई एम गोना किल माय हस्बैंड राइट नाउ, प्लीज फील फ्री टू डू दैट। 93.5 रेड एफएम पर टैग ऑल योर फ्रेंड्स जो लूडो खेलते हैं, एंड यस डाउनलोड कीजिए रेड एफएम इंडिया ऐप एंड अपनी रिक्वेस्ट भेजिएगा। ये हम अपना कर रहे थे, आप रख सकती है, थैंक यू। रिंकी आके पापा, ओहो हो, रिंकी आके पापा, ऐसा था। हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? सलीम, हाँ बोल रहा हूँ। बहुत कमाल के टिकटॉक बनाते हैं आप, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट है आपका। शुक्रिया। हम आपके नेटवर्क से बोल रहे थे, नेटवर्क ऑपरेटर जो है हमारे यहाँ पर, अभी एक कॉन्टेस्ट चल रहा था कि लॉकडाउन में वी वर कीपिंग अ टैब कि हमारे नेटवर्क पे जितने भी लोग हैं जो बहुत बढ़िया वीडियोस बना रहे हैं, हम उनकी कुछ वायरल स्टार से बातचीत करवाएंगे, एंड यू आर द चोजन वन, कांग्रेचुलेशन टू यू। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये वाला ऑडियो सुना है जिस पर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए थे? ये आजा तुझे आसमान में ले चलू, चांद को उसकी औकात दिखाने, मेरी महबूब है ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल सुना है सर, इस पर बनाया भी था मैंने, बहुत अच्छा हो गया था, अच्छा जी, अच्छे व्यूज मिले थे सर, व्यूज मिले थे। तो ये गाने में लास्ट में जो ओहो हो करते हैं ना, हाँ जी, वो वायरल स्टार हमारे साथ में आज बात कर सकते हैं आप। ओहो हो, हेलो, ओहो हो, हेलो सर, मैंने बनाया था आपके इस पे टिकटॉक। ओहो हो, हेलो सर, मैंने बनाया था आपके इस पे टिकटॉक। ओहो हो, हेलो सर, इनका रोल ही इतना है, इससे ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, ओहो हो पे अटक जाते हैं सर। क्या मतलब, कुछ तो बोलते होंगे ना सर? नहीं कुछ बोलते आप? ओहो हो, क्या मजाक है सर ये सर, ए... नहीं नहीं आप गाली ना दे सर, वो एक म्यूजिक ये वाला, हाँ आपने हाँ, वीडियो बनाया था इस पर? सर बिल्कुल बनाया था इस पर वीडियो, बनाया था छत्तीसगढ़ के, बनाया था हम चार दोस्तों ने, एक चार लोगों को अकेले नहीं बना पा रहे, आप चार चार दोस्तों के साथ में हमने बनाया, बहुत कमाल वीडियो बनाया था। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जो वायरल स्टार हैं इस गाने के पीछे, जिनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ये बना था, कोई जानता ही नहीं है, कोई जानता नहीं है सर, वो हमारे साथ में बात कर सकते हैं आप। दादा दादा एक्चुअली मैंने जो सुर बनाया था वो गाना दूसरा था, ये चोरी कर लिया, वो ओरिजिनल ही था, रिंकी आके पापा, ओहो हो, ओहो हो, रिंकी आके पापा, ऐसा था। अरे ये तो अंग्रेजी गाना है, ये तो भोजपुरी है, क्या बना रहा भाई ना, 370 बोलची हमारी सुर। अरे कौन सी भाषा में बात कर रहा भाई सर, किसको बना रहा है? एक्चुअली बंगाली, बंगाली दादा है, इनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो अपना बता रहे थे। अरे यार भाई क्यों पागल बना रहे हो यार, क्यों काट रहे हो मेरा यार? सर आप मुझे ये बताएं सिर्फ, आप किसके फैन है? किसके भाई फैन? मैं रियाज का फैन हूँ, बहुत हमारे साथ है, बात करना चाहते हैं आप? हाँ बात करना चाहते हैं, हमारे साथ में है, बात कर रहा हूँ सच में। हाँ सच में सर, पक्का प्रॉमिस, बात कर रहा हूँ भाई, पहले इंट्रो म्यूजिक। हो गया भाई, बात कीजिए रियाज। ओ भाई, म्यूजिक
कहाँ है भाई रियाज भाई? रियाज तो कर रहे हैं, मैं रियाज तो कर रहा हूँ। यार किसको कट रहा है मेरे बाप? कौन है? कौन सी कर दिया? उससे बात कराता हूँ क्या सर? मैं नहीं बनाता कोई टिकटॉक विकटॉक। गाली नहीं सर, गाली नहीं। नो 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 नो। हेलो, क्या लगा रखा जिन्होंने ये ओ, जिन्होंने ये ओ नो नो किया था ना हमारे साथ में। ओ नो 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 नो।